नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या प्रेगनेंसी में शुगर केन जूस यानी कि गन्ने का रस लेना सुरक्षित है और किन महिलाओं को गन्ने का जूस जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं पीना चाहिए, और साथ ही बताऊँगी कि इसकी सही मात्रा क्या है और किस सही समय पर इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों गर्मी के मौसम में मिलने वाला कॉमनली जो गन्ने का रस है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और बहुत ही जल्दी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत ऊर्जावान रखता है, और साथ ही जो आपके शरीर की पानी की कमी है उसको भी दूर करता है और आपको हाइड्रेट रखता है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है कि जो आपका पेट और आपका जो मूत्र मार्ग यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसके इन्फेक्शन से बचाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो गन्ने का रस है उसको पीने का सही समय क्या है और क्या सही मात्रा है कि एक प्रेग्नेंट महिला उसको कितनी मात्रा में ले सकती है। तो सबसे पहली बात करेंगे, सही समय सुबह से लेकर दोपहर तक का बिल्कुल सही समय होता है, क्योंकि गन्ने का जो रस उसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए शाम के समय या रात के समय उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो सही मात्रा है वो ये है कि हफ्ते में कम से कम 3 बार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार इसका सेवन करना चाहिए एक प्रेग्नेंट महिला को, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और शुगर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका डेली सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों गन्ने का जो जूस होता है उसमें विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, विटामिन सी, इसके अलावा आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इनका सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहली बात कि अगर आपको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम है तो आप गन्ने का जूस बिल्कुल ना पिए, इससे दिक्कत हो सकती है। दूसरा कि अगर आपको सिर दर्द यानी कि हेडेक की प्रॉब्लम रहती है तो भी गन्ने का रस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके सर दर्द ट्रिगर हो सकता है, बढ़ सकता है। तीसरी बात दोस्तों कि अगर आपको डायबिटीज़ यानी कि शुगर की समस्या है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है, और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो भी आप गन्ने का रस का सेवन बिल्कुल ना करें, इससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है। चौथी बात दोस्तों, अगर आपका वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है तो भी गन्ने का रस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका वज़न बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। पांचवी बात दोस्तों कि अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या है तो भी आप गन्ने का रस का सेवन ना करें, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इससे आपको ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाएगा और प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, इसका इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप कुछ और पूछना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। धन्यवाद।